So Sankeet Bhaiya, now that MHT-CET is finally over, I'd like to congratulate all our friends watching us. आप लोग ने कितना बड़ा milestone cross कर लिया है, इतना efforts डाला है, इतना hard work डाला है. And now I'd like to know कि हमारा next step admission process के towards क्या होना चाहिए. महाराष्ट्र में जो CAP rounds होते हैं, how does this work exactly? इसमें कितने rounds होते हैं? And I also heard कि इसमें institutional round, management round, vacancy round and spot round भी होता है. तो please इनके बारे में भी idea दीजिएगा. And basically just give us a roadmap which we can follow, which will help us in our admission process. सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड. सो गाइज आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप सभी की MHT-CET की एग्जाम्स तो हो चुकी है. होप्स आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है. वे रिजल्ट आने के बाद कि आपके कॉलेज की एडमिशन की जर्नी क्या रहती है, ये कंप्लीट 3 मंथ जर्नी रहती है. आने वाले 3 महीने तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है. ये प्रोसेस क्या रहता है इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपका काउंसलिंग प्रोसेस हम बोलते हैं इसको. तो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले शुरू होता है रिजल्ट से. अभी MHT-CET का रिजल्ट और रिजल्ट से पहले आंसर की कब रिलीज होगी. सो आंसर की एक्सपेक्टेड डेट्स है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप सभी को आंसर की मिल जाएगी. उसके बाद एक वीक के बाद मतलब 10 से लेकर 15 जून के बीच में आप सभी का MHT-CET का रिजल्ट आ जाएगा. और रिजल्ट के एक वीक के बाद आपकी कैप फॉर्म फिलिंग शुरू होती है. अब ये कैप क्या है? कैप मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस. आप सभी का पूरे महाराष्ट्र में जो आपका गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन होता है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, तो जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है उनमें कैप के थ्रू आपका एडमिशन होता है. कैप मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस. इसके थ्रू आपका राउंड्स चलते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3. उन राउंड्स में आपका एडमिशन होता है, सिलेक्शन होता है. उसके बाद वहां पे आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है. अभी कैप राउंड का आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा. फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस. SC, ST, OBC आपके जो भी कैटेगरी में लाइक करते हो, अगर आप कोई माइनॉरिटी में लाइक करते हो जैसे गुजराती माइनॉरिटी हो गया, सिंधी माइनॉरिटी हो गया, हिंदी माइनॉरिटी हो गया, तो माइनॉरिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. इनफैक्ट अगर आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए फॉर एन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, तो स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब चीजों के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो तो प्लीज एक बार जाके देख लेना. सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अभी आपका कैप राउंड फॉर्म फिलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस सबमिट करने पड़ते हैं. ये कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है. इसके बाद आपका ऑनलाइन पार्टिसिपेशन इन राउंड शुरू होता है. ऑनलाइन पार्टिसिपेशन में वही जब आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर आपका जो रिजल्ट आया 12th बोर्ड्स का रिजल्ट वापस सबमिट होता है, फिर आपका MHT-CET का रिजल्ट सबमिट होता है. अगर आपको ऑल इंडिया सीट्स का एडमिशन लेना है तो आपका JEE मेंस का रिजल्ट भी आप वापस सबमिट कर सकते हो. तो यहाँ पे ऑनलाइन पार्टिसिपेशन राउंड शुरू होते हैं. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए उसको आपको इन सेंटर जाके, फिजिकल इन सेंटर जाके चेक करवाना पड़ता है. अभी ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, बट आई रेकमेंड कि आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाओ. ऑफलाइन वेरिफिकेशन 1 से 2 घंटे में हो जाता है. ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाओगे 5 से 6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन बहुत स्लो प्रोसेस है. लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चे इसमें अटक गए थे कि भैया अभी तक हमारा वेरीफाई नहीं हुआ डॉक्यूमेंट्स, अभी तक हम कैप राउंड में बैठ ही नहीं पाएंगे अगर वेरीफाई नहीं हुआ टाइम पे. तो प्लीज आई वुड सजेस्ट ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाना. 1 से 2 घंटों में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं इन सेंटर. सेंटर की लिस्ट भी आपको मिलेगी जैसे जैसे आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी. चैनल पे सारे वीडियोस आते जाएंगे, मैं आपको अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा कि आपके नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, जिसको हम FC सेंटर बोलते हैं. FC सेंटर मतलब फेलिसिटेशन सेंटर, जहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं. तो ये उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी. बट जैसे जैसे आपका आगे प्रोसेस होगा तो हम आपको सब चीजें बताएंगे. सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है. मेरिट लिस्ट भी आपकी 2 टाइप्स की आती है. सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी. प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जो आपको टेम्पररी मेरिट लिस्ट बोलते हैं हम उनको, जिसमें उसमें करेक्शन होता है. अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो माइनॉरिटी डालना भूल जाते हैं, फिर उनको लास्ट मिनट में याद आता है कि भाई मैं ये माइनॉरिटी में भी बिलोंग करता हूँ तो मैं माइनॉरिटी भी ऐड कर देता हूँ. कई सारे बच्चे ऐसे भी है जो कैटेगरीज रॉन्ग फिलअप कर देते हैं, चाहे वो SC ST वाले कैटेगरी से हो बट वो लोग ओपन कैटेगरी में फॉर्म भर देते हैं. तो वहाँ पे वो लोग आप कैटेगरी भी अपनी चेंज कर सकते हो. कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो SC ST में अप्लाई करते हैं बट टाइम से उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वापस से उनकी कैटेगरी ओपन में कन्वर्ट हो जाती है. फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें आपको फाइनली आपकी रैंक मालूम पड़ती है कि आपके ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या रैंक बनी हुई है. तो आपकी मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद आपका प्रेफरेंस फिलिंग सेशन शुरू होते हैं, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग सेशन। अभी प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग सेशन के कौन से राउंड में रहेंगे? आपके तीनों कैप राउंड में रहते हैं। तो डोंट वरी, आपको तीनों कैप राउंड में चांस मिलेगा अपना प्रेफरेंस फॉर्म देने का, जिसमें आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हो, ब्रांच सिलेक्ट करते हो, अपनी एक पूरी लिस्ट बनाते हो कि भाई मुझे सबसे पहले ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, उसके बाद ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, ये नहीं मिला तो उसके बाद मुझे ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए। पूरा ऊपर से नीचे तक आपकी लिस्ट बनती है। ये लिस्ट बनाने में हम आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। सब चीजें हम आपको चैनल पे बताएंगे, यूट्यूब पे ही बताएंगे। हम 1-on-1 पेड काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेड काउंसलिंग में भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, जिसमें हम आपको खुद से लिस्ट बना के देंगे, जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारा लाइव डिस्कशन होगा 1-on-1 ऑन गूगल मीट। उसके बाद आपकी एक पूरी पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म बनती है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मुंबई में ही एडमिशन चाहिए, उनका जो प्रेफरेंस फॉर्म बनता है मुंबई के कॉलेज के हिसाब से ही बनता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुणे में ही एडमिशन चाहिए, उनका प्रेफरेंस फॉर्म पुणे के हिसाब से ही बनता है। सो अभी हमसे कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग सेशन होता है फॉर कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2। फिर आपका कैप राउंड फॉर्म का आपने फॉर्म भर लिया, प्रेफरेंस फॉर्म वहां पे आपने सबमिट कर दिया। कैप राउंड का रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन होते हैं? एक होता है बेटरमेंट का ऑप्शन, एक होता है फ्रीज का ऑप्शन। बेटरमेंट मतलब आपने को जो सीट्स मिली है आपको वो चाहिए, बट अगर नेक्स्ट राउंड में उससे भी अच्छी सीट मिल सकती है आपको, तो आप वो प्रेफर करोगे, उसको बोलते हैं बेटरमेंट। फ्रीज का मतलब आपको जो सीट मिली है आपने वो एक्सेप्ट कर ली, भाई मुझे जो मिला है वो मुझे चलेगा, मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता था और मुझे वही मिल गया, तो मैं यहाँ पे अपना जो ऑप्शन मिला हुआ है मैं उसको फ्रीज करता हूँ और यहीं पे मुझे एडमिशन चाहिए, उसको हम फ्रीज बोलते हैं। तो अभी हम लेट्स मूव टूवर्ड्स फ्रीज। अगर आपने फ्रीज बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ पे क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। उसके बाद आगे आप फर्दर राउंड में बैठ नहीं सकते, ये चीज याद रखो। अगर आपने कैप 1 में फ्रीज कर दिया तो आप कैप 2 और कैप 3 में बैठ नहीं पाओगे। आपने कैप 2 में फ्रीज किया तो आगे आप कैप 3 में नहीं बैठ पाओगे। तो फ्रीज ऑप्शन सोच समझ के करना है। एंड मेरा सजेशन है फ्रीज ऑप्शन आप कैप 2 तक तो नहीं करो, मतलब कैप 1 में आपको बेटरमेंट में ही जाना है। कैप 2 में आप सोच सकते हो कि कैप राउंड 2 में आप फ्रीज करोगे या बेटरमेंट करोगे, उससे आप सोच सकते हो, बट कैप राउंड 1 के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेटरमेंट के लिए ही जाना है, ये चीज याद रखना। तो फ्रीज ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो आपकी यहाँ पे कैप राउंड प्रोसेस खत्म हो जाती है एंड आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है, ये चीज याद रखना। सो एंड ऑफ द कैप राउंड प्रोसेस हो जाती है जब आप फ्रीज बटन पे करते हो। तो अगर आपने बेटरमेंट पे किया तो आप आगे वाले फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल रहते हो। फर्दर राउंड्स के लिए वापस से आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने का चांस मिलेगा। वापस से आप अपनी पूरी कॉलेज की लिस्ट रिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंज है, कोई कॉलेज को आपको ऊपर नीचे करना हो, कोई ब्रांच को ऊपर नीचे करना हो, सब आप प्रेफरेंस फॉर्म में कर सकते हो। तो अगर आपने बेटरमेंट किया, वापस से आपने प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया, फिर आपका वापस से कैप राउंड का रिजल्ट आएगा। तो अगर आपने कैप 1 में किया तो कैप 2 का रिजल्ट आएगा, और जैसे आपने कैप 2 में करोगे तो कैप 3 में रिजल्ट आएगा। एंड कैप 3 इज द लास्ट राउंड, आपके 3 ही कैप राउंड होते हैं हर साल। तो कैप 3 का जैसे आपका राउंड खत्म होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद ऑटो फ्रीज होता है। तो कैप राउंड 3 तो लास्ट राउंड है, उसके बाद तो बेटरमेंट का ऑप्शन आएगा नहीं। तो कैप राउंड 3 में आपको जो भी कॉलेज मिला वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब जो आपको मिला कैप राउंड 3 में उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब समझ लो बाई चांस आपने कैप 2 के प्रेफरेंस फॉर्म के लिए आपने कोई गलत चॉइस फिल कर दी, आपने नीचे का कॉलेज ऊपर डाल दिया और नीचे का कॉलेज ही आपको लग गया, तो वहां पे आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फिर वहां पे आपकी गवर्नमेंट भी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये चीज याद रखना। ऑटो फ्रीज होगा मतलब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अपना प्रेफरेंस फॉर्म प्लीज ध्यान से बनाना। अगर नहीं आता तो कोई काउंसलर की मदद लो, जैसे हम भी आपको 1-on-1 पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको पूरा फॉर्म बना के देंगे, आपका लाइव 1-on-1 मीट लेंगे कि आप फॉर्म अच्छे से भर रहे हो या नहीं। फॉर्म एक भी मिस्टेक हुई ना, अगर आपको नीचे का कॉलेज मिल गया, ऑटो फ्रीज हो गया, तब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है। तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, तो आप प्लीज एक कोई काउंसलर की मदद लेना। एंड ऑल्सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू ऑल। तो यहाँ पे आपका कैप 3 के बाद ऑटो फ्रीज होता है क्योंकि नेक्स्ट राउंड है ही नहीं। तो कैप 3 में ऑटो फ्रीज हो गया, उसके बाद आपकी कैप राउंड प्रोसेस वापस से एंड होती है, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड फाइनली आप सभी का एडमिशन खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये होती है कैप प्रोसेस। अभी कैप प्रोसेस होने के बाद भी एक प्रोसेस है, कई सारे बच्चों को ये प्रोसेस मालूम नहीं है, जो इनसाइडर प्रोसेस है, जो मैं आपको आज में समझाऊंगा। सो आप लोगों को मालूम होगा 20% सीट्स मैनेजमेंट सीट्स होती है। आपके मैनेजमेंट राउंड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं, प्लस आपके स्पॉट राउंड होते हैं, वैकेंसी राउंड होते हैं। ये कैप प्रोसेस होने के बाद ये सारे राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। आपका मैनेजमेंट प्लस वैकेंसी राउंड दोनों साथ में कंडक्ट होगा इस साल, जैसे लास्ट ईयर भी साथ में ही कंडक्ट हुआ था। तो वापिस हम आ जाते हैं सीईटी के रिजल्ट के ऊपर। आप अभी रिजल्ट के वापिस से देखो। रिजल्ट के बाद आपका होता है वैकेंसी राउंड का डिस्कशन। अभी आपकी प्रोसेस तो यहाँ पे एंड होगी, बट कई सारे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे जाके एडमिशन नहीं कंफर्म करते, उनको ऑलरेडी जेईई मेंस के थ्रू एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिले होते, तो वहाँ पे वो लोग नहीं लेते। फाइनल एडमिशन के टाइम वहाँ पे कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं जाते, कॉलेज में फी पेमेंट्स के लिए नहीं जाते, तो उनकी जो सीट्स होती है वो वैकेंसी सीट्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब खाली सीट्स बच जाती है। अभी कॉलेज के पास खाली सीट्स बची तो उनको फिल तो करनी ही पड़ेगी, तो वो लोग अपने एंड से वैकेंसी राउंड कंडक्ट करते हैं। अभी इस राउंड में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इस राउंड में गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं है, ये हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है मैनेजमेंट राउंड प्लस इंस्टीट्यूशनल राउंड प्लस वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे आपका डिस्कशन ऑन वैकेंसी राउंड होता है, फिर वैकेंसी राउंड का फॉर्म फिलिंग होता है। अभी ये फॉर्म फिलिंग जो होता है ना, वो हर कॉलेज का अलग से फॉर्म भरता है। मतलब आप डीजे सांगवी में अप्लाई करोगे तो डीजे सांगवी का 2000 भरो, एसपीआईटी में अप्लाई करो एसपीआईटी का 1500 भरो, आप थाड़ोमल शाहनी में अप्लाई कर रहे हो थाड़ोमल शाहनी का 3000 भरो फॉर्म फिलिंग का। सो हर एक कॉलेज का अपना अपना फॉर्म रहेगा फॉर अ वैकेंसी राउंड एंड फॉर अ मैनेजमेंट राउंड, दोनों कंबाइंड राउंड होंगे, ये चीज याद रखो। जैसे लास्ट ईयर दोनों कंबाइन ही हुए थे, इस साल भी चांसेस ये है कि दोनों कंबाइनली ही चलेंगे। तो आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा जैसे हर साल चलता है, हर साल आपका हर एक कॉलेज का खुद का फॉर्म रहेगा फॉर अ वैकेंसी राउंड। वैकेंसी राउंड का डिस्कशन होगा, फिर आपका ऑफलाइन पार्टिसिपेशन। अब ये जो वैकेंसी राउंड है ये ऑनलाइन नहीं चलता, ये पूरा राउंड ऑफलाइन चलता है। आज जो कॉलेज में प्रेजेंट रहेगा विथ योर फीस, जिसके पास फीस है और कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट है, उनको वो लोग सीट्स देंगे, क्योंकि ये बची हुई सीट्स है। बची हुई सीट्स को कॉलेज को कहीं ना कहीं कौन से स्टूडेंट्स को देनी ही पड़ेगी। तो वो जो स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उस स्टूडेंट को ये सीट्स ऑफर होती है, और यही राउंड में आपके कट ऑफ बहुत गिर जाते हैं, और यही राउंड में जो चीज होती है ना वो इसी राउंड में होती है, और ज्यादा स्टूडेंट को ये राउंड के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन से कॉलेज में कब ये राउंड चल रहे हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं, अगर आप अवेल करना चाहते हो हमारी काउंसलिंग, अवेल करो। काउंसलिंग में हम पूरा राउंड के ऊपर आपको समझाएंगे कि भैया कौन से डेट्स को कौन से कॉलेज में वैकेंसी राउंड चल रहे हैं। वैकेंसी राउंड की कट ऑफ कैप राउंड के कट ऑफ से 1 से 2% गिर जाती है इन द टॉप 10 कॉलेजेस ऑल्सो। तो गाइस बहुत सारे चेंजेस होते हैं वैकेंसी राउंड में, वैकेंसी राउंड तो हर एक स्टूडेंट को भरना ही चाहिए। तो वैकेंसी राउंड में आपका ऑफलाइन पार्टिसिपेशन होगा, उसके बाद आपका कैंसिलेशन होता है। आपने जो कॉलेज कैप राउंड से लिया उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ता है, और वैकेंसी राउंड में आपको जो कॉलेज मिला वहां पे जाके आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फिर आपके वहां पे एंड ऑफ एकेप प्रोसेस। एकेप मतलब आफ्टर कैप प्रोसेस, ए मतलब आफ्टर कैप वाला, आफ्टर आपका सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस की ये प्रोसेस रहती है। सो आफ्टर कैप प्रोसेस में आप अप्लाई करोगे, एंड ऑफ आफ्टर कैप प्रोसेस, और फिर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सो ये होती है आपका कंप्लीट रोड मैप। आपको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताना चाहता हूँ। सीईटी का रिजल्ट आने के बाद आपके फॉर्म फिलिंग होगा, फॉर्म फिलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैप राउंड 1 चलेगा, कैप राउंड 2 चलेगा, कैप राउंड 3 चलेगा। आपको याद रखना है कैप राउंड में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, बेटरमेंट और क्विज। कैप राउंड 1 में तो आपको बेटरमेंट के लिए ही जाना है, कैप राउंड 2 में आप सोच सकते हो, ये हुआ। बाकी कैप राउंड 3 में आपका जो भी फाइनल रिजल्ट आता है वो ऑटो फ्रीज होता है। ऑटो फ्रीज होने के बाद वहाँ पे आपको कंफर्म एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जैसे आपकी कैप प्रोसेस एंड होती है उसके बाद वैकेंसी प्लस मैनेजमेट प्रोसेस शुरू हो जाती है। 20% मैनेजमेंट सीट प्लस आपकी वैकेंसी सीट जो होती है वो कॉलेज फिलअप करते हैं, वो उनके पर्सनल राउंड्स होते हैं, फिजिकल राउंड्स होते हैं, जो हर एक कॉलेज का आपको खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपने फॉर्म भरा, वहाँ पे आपने ऑफलाइन पार्टिसिपेट किया राउंड में, उसके बाद वहाँ पे फिर आपको कैप से जो कॉलेज मिला होगा उसको वहाँ पे आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, और एकेप से जो कॉलेज मिला उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे आपकी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस हम आपको समझाते हैं गाइज। ये थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ दे दिया अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। बाकी गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हम आपकी 1-on-1 पेड काउंसलिंग भी कंडक्ट करते हैं। ये लास्ट ईयर के हमारे 1-on-1 पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उनका देखो प्रोविजनल एडमिशन बिफोर सीईटी भी लोग एडमिशन लेके रख देते, जैसे आपका एनएमआईएमएस में लोगों ने एडमिशन लेके रख दिया, MIT WPU में पहले से ही एडमिशन लेके रख दिया। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले ही एडमिशन लेके रख देते। फिर कैप राउंड 1 के यहाँ पे उनको जो लगे कॉलेजेस, कैप राउंड 2 के कॉलेजेस, कैप राउंड 3 के अपग्रेडेड कॉलेजेस, उसके बाद फाइनली स्पॉट राउंड। अभी मैं स्पॉट राउंड थोड़ा और आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे ये जो स्टूडेंट है ये श्रीविन गुप्ता को लास्ट ईयर जो आपको कॉलेज मिला था कैप राउंड में उसको थाड़ोमल में ENTC मिला था। थाड़ोमल शाहनी तो वेरी गुड कॉलेज, टॉप 5 कॉलेज इन मुंबई, तो थाड़ोमल शाहनी में उसको EXTC मिला था। EXTC के बाद उसको हमने बोला कि स्पॉट राउंड में अप्लाई कर, स्पॉट राउंड में उसको सीधा डीजे सांगवी में CS विद IoT मिल गया। मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ, थाड़ोमल का EXTC और डीजे सांगवी का IoT। एवरेज पैकेज में ही दोनों कॉलेज के 2 लाख का डिफरेंस आता है। जैसे कई सारे इनसाइडर चीजें रहती है जो हम आपको 1-on-1 पेड काउंसलिंग में बताते हैं। तो अगर आप चाहते हो 1-on-1 पेड काउंसलिंग लेने का तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन्ड है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के लिए फ्री में है, जहाँ पे हम आपको सारी शीट्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मुंबई के जितने भी टॉप कॉलेजेस है रैंक वाइज आप देख सकते हो, VJTI, ICT जिनकी CAP राउंड 1, CAP राउंड 2, CAP राउंड 3 में जो कट ऑफ गई थी, सब चीजें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहो, बाकी सारी चीजें हमारे पास रेडी है। ये हमने मुंबई का है, ये पुणे की शीट है, पुणे के भी सारे टॉप 50+ कॉलेजेस हमने मेंशन करके रखे है शीट में, जिनकी CAP 1, 2, 3 की कट ऑफ परसेंटाइल वाइज भी है और रैंक वाइज भी है। तो सब चीजें हमारे पास रेडी है। बाकी हमारे लाइव सेशंस भी रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना फॉर अ लाइव सेशन। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जानना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, हमारी वेबसाइट की लिंक है collegesimplified.in। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे आपको कॉलेजेस में जाना है। जैसे आप ये वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज पे आए आप, होम पेज के बाद आपको कॉलेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कॉलेजेस दिख जाएंगे। कॉलेजेस में जाने के बाद MHT-CET पे क्लिक करना। MHT-CET में ये जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई वहाँ पे भी ये फ्लो चार्ट मेंशन्ड है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो फ्लो चार्ट। बाकी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको PDF मिल जाएगी, जो हेल्पफुल रहेगी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने को। जैसे ये PDF है, यहाँ पे आपके सारे कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स कौन से है, ड्रॉपर्स के लिए डॉक्यूमेंट कौन से है, OBC के लिए कौन से, SC ST EWS, फिर आपका EBC स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट, सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप ये सब चीजें देख सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो वेबसाइट जरूर विजिट करना। बाकी आपको कट ऑफ चाहिए तो यहाँ पे CAP राउंड 1, 2, 3 की MHT-CET कट ऑफ भी है, प्लस आपकी JEE मेंस की कट ऑफ भी है। तो वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा, तो वेबसाइट जरूर विजिट करो। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे NMIMS हो गया, KJ Somaiya हो गया, तो सब चीजें आपको ही हमारी वेबसाइट पे मिलने वाली है। तो डू विजिट collegesimplified.in। वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। होप सो गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है 1-on-1 पेड काउंसलिंग में तो मुझे जरूर कांटेक्ट करो। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में, जैसे आप सभी के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड और 2-3 वीडियोस आएंगे कि अभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। तो गाइज होप्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। गाइज प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय योर वेकेशन।